माई डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आफ्टर फिनिश ऑफ द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट। इन दिस कैटेगरी देर आर थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मैंशन, इन विच फर्स्ट इज द एल्कोहल, सेकेंड इज द फिनॉल एंड थर्ड इज द इथर। देखिए, एल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, आर ओ एच से है, यानी कि ये ओ एच जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रहेगा उनको क्या बोलेंगे अपन, एल्कोहल बोलेंगे। फिनोल की बात करें तो फिनोल के अंदर क्या है, बेंजीन की रिंग रहेगी और आपके पास क्या रहेगा, एक ओ एच रहेगा जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होना चाहिए, बेंजीन के कार्बन से अटैच होना चाहिए। ये क्या हो गया आपके पास, फिनोल, दैट इज़ द एरोमेटिक एल्कोहल। और ईथर की बात करें तो अपन ईथर होगा आपके पास आर ओ आर। तो इस चैप्टर के अंदर अपन इन तीन कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, उनके नोमेनक्लेचर, अबाउट इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स वी फर्स्ट स्टार्ट द एल्कोहल। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपन इसके अंदर। तो देखिए, एल्कोहल की बात करते हैं अपन, जैसे मेरे पास क्या है, एल्केन है। आरएच के बारे में आप सब जानते हो कि क्या है, एल्केन। एल्केन के यदि एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया जाए, ओएच से कर दिया जाए, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आर ओ एच बन जाएगा। और ये क्या है आपके पास, एल्कोहल। और ये क्या था आपके पास, एल्केन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में क्या कह सकते हैं अपन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज एल्कोहल। अब एल्कोहल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन, क्लियर। तो देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें अपन, तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन बाय विच द ओएच इज अटैच एंड एक अदर कैटेगरी और लेंगे अपन। तो क्लासिफिकेशन on the basis of first, इसके अंदर क्या, number of OH group, कि दिए गए alcohol के अंदर कितने OH group है। on the basis of number two, degree of carbon, और एक पार्ट लेंगे अपन इसके अंदर क्या, थर्ड क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपके पास, अदर एल्कोहल्स, क्लियर। नंबर ऑफ ओएच ग्रुप की कैटेगरी के बेसिस पे यदि आपके पास दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल एक ओएच ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल, जैसे आर ओएच है तो आपके पास ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, CH3OH और ये CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। देयर इज ए नंबर ऑफ OH इज इक्वल टू 2, दैट इज द डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और जो थर्ड इसमें आपके पास है वो क्या है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये क्या है आपके पास, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। ये गिल्स रोल है, जिसे गिल्स रिंग भी बोला जाता है। यदि दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या दिए गए एल्कोहल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है, 1 है, देन इट कॉल्ड बी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि दो OH है तो क्या होगा, वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा, और तीन OH है तो वो क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं किसके बारे में,
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। मान लीजिए एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है CH3CH2OH, इस कार्बन को देखिए, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल। और नेक्स्ट CH3CH3CHOH, ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ OH होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। एंड थर्ड बात करूँ मैं CH3CH3CH3, तो मेरे पास ये कार्बन है और ये क्या है, OH है। ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि तीन कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। तो ये 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन के साथ यदि OH अटैच है तो क्या होगा, वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। अदर पार्ट की यदि अपन बात करें तो अदर पार्ट में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ये जो पोजीशन है एलाइल पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये एलाइल पोजीशन। देखो यहाँ पे यदि मैं X ऐड करता हूँ तो एलाइल हैलाइड होगा, यहाँ मैं OH ऐड करता हूँ तो एलाइल एल्कोहल, यहाँ मैं NH2 ऐड करता हूँ तो एलाइल एमाइन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ मैंने अभी क्या ऐड किया है, OH ऐड किया है। देखिए यदि 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और थर्ड नंबर की जो पोजीशन है तो वो कौन सी है, एलाइल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है आपके पास, एलाइल पोजीशन है, एलाइल पोजीशन। क्लियर। अब एलाइल पोजीशन पर आपने OH ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये एलाइल एल्कोहल हो गया। क्लियर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि एलाइल पोजीशन में या जो ये जो कार्बन है थर्ड नंबर वाला, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, ये SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। नेक्स्ट एक पोजीशन होती है आपके पास कौन सी, विनाइल पोजीशन। तो ये हो गई आपके पास कौन सी, विनाइल पोजीशन। और इसके साथ यदि मैं OH ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये विनाइल एल्कोहल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, विनाइल एल्कोहल। और ये जो कार्बन है ये कैसा है, SP2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, SP2 हाइब्रिडाइज। और एक आपके पास एक पोजीशन और है कि बेंजीन पर CH2 ऐड है। तो अभी जो आपको पोजीशन दिखाई दे रही है ये पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ये बेंजाइल पोजीशन है। और बेंजाइल पोजीशन के आगे अपन क्या लगा दे, OH लगा दे तो क्या बन जाएगा, वो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। ये एक एलिफेटिक एल्कोहल, ये एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है। एरोमेटिक एल्कोहल में तो क्या होता, OH डायरेक्टली अटैच होता बेंजीन के कार्बन से। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट आपके पास क्या था, नंबर ऑफ OH ग्रुप, सेकंड आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH इज अटैच, एंड थर्ड इज द अदर कैटेगरी। नंबर ऑफ OH के बेसिस पे आपने इसको किस में डिवाइड किया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, केवल एक ही OH ग्रुप है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, दो OH ग्रुप है। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, तीन OH ग्रुप है। और ये एग्जाम्पल आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब है OH ग्रुप अटैच है किसके साथ, एक ऐसे कार्बन के साथ जो 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब वो केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ये 2 डिग्री का एल्कोहल है, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन था और ये 3 डिग्री कार्बन है। अदर कैटेगरी के अंदर आपने एलाइल पोजीशन लिया तो एलाइल पोजीशन पर आपने OH ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो एलाइल एल्कोहल। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और मैंने क्या किया, एक इसके अंदर बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेरे पास 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पर यदि मैं क्या ऐड कर देता हूँ, OH ऐड कर देता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एलाइल एल्कोहल। ये OH इस थर्ड पोजीशन पर भी हो सकता था तो भी क्या था, एलाइल पोजीशन था। यदि मैं 2 नंबर पर OH को ऐड करता तो कौन सी पोजीशन होती, विनाइल पोजीशन होती। क्लियर। और बेंजीन के साथ यदि एक कार्बन अटैच है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो पोजीशन कौन सी होगी, बेंजाइल पोजीशन। और बेंजाइल पोजीशन पर यदि क्या लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास है नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर की यदि अपन बात करें तो देखो, एल्कोहल को आईयूपीएसी सिस्टम में एल्केनोल बोला जाता है। आपके पास जो एल्कोहल है, एल्कोहल को क्या बोला जाता है? एल्कोहल को एल्केनोल से बोला जाता है, एल्केनोल। क्लियर? अब ध्यान देना यहाँ पे, मतलब आपके पास यदि एक कार्बन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या लिया, देखो CH3OH लिया, CH3CH2OH लिया है, एक मैंने लिया है CH3CH2CH2OH लिया है, एक मेरे पास है CH3CH3OH है मेरे पास। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स अपने लिए हैं। अब देखिए, आईयूपीएसी सिस्टम में क्या बोला जाता है? एल्केनोल, यानी कि एक कार्बन है मेरे पास, तो मेथ प्लस ओल, तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम? क्या हो जाएगा? मिथेनोल। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनोल। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा सेकंड का? इथेनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनोल। और इसकी बात करूं मैं तो देखो, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, ये जो OH है वन नंबर पे भी हो सकता है, टू पे भी हो सकता था, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन वन ओल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन वन ओल नाम हो जाएगा इसका। क्लियर? इसकी मैं बात करूँ तो देखो, वन नंबर, टू नंबर और थ्री नंबर, मेन चेन में कितने कार्बन है मेरे पास? थ्री कार्बन है। टू नंबर पर OH अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल नाम हो जाएगा। ये तो हो गया इनका क्या, आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम की बात करें तो देखो, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है। ये कौन सा है? इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा है? प्रोपाइल ग्रुप है। और ये कौन सा आपके पास? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो यदि मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो मेरे पास इसका नाम नेम क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल। और ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो इसका नेम लिख देता हूँ मैं क्या? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है यहाँ पे, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आपको वर्ड दिया जाएगा, इस वर्ड से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर से फिर इसका क्या लिखना पड़ेगा? आपको आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा। इसमें एक इसका डेराइव्ड सिस्टम के अंदर नेम और है, जैसे CH3OH को क्या बोला जाता है? CH3OH को कार्बिनोल भी बोला जाता है। CH3OH को क्या बोला जाता है? कार्बिनोल, डिराइव्ड सिस्टम के अंदर। क्लियर? तो अब मेरे पास जैसे ही आ जाए CH3CH2OH आए मेरे पास, तो ये तो क्या है इसके अंदर? कार्बिनोल है। कार्बिनोल के पास में क्या लगा हुआ? एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल कार्बिनोल होगा। क्या नेम होगा? मिथाइल कार्बिनोल। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथाइल कार्बिनोल। इट मीन्स यू फर्स्टली यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल एंड राइट इट्स आईयूपीएसी नेम। तो इथाइल एल्कोहल बन है, मतलब मिथाइल कार्बिनोल का मतलब क्या है? ये पोर्शन तो हो गया मिथाइल कार्बिनोल, और कार्बिनोल के क्या लगा हुआ? एक CH3 लगा हुआ, तो क्या नाम नेम हो गया इसका? मिथाइल कार्बिनोल। और आपको ये कहे, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथाइल कार्बिनोल, देन यू राइट द इथेनॉल। क्या नेम होगा इसका? इथेनॉल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH2 और ये CH2, इसको मैं कर देता हूँ CH2OH, और ये 2, और ये क्या हो गया मेरे पास? OH, और ये भी क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज द गिल्स रोल, इसका कॉमन नेम क्या है? गिल्स रोल या गिल्सरीन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ था। सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर? थ्री कार्बन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? प्रोपेन
और वन नंबर पर भी देखो एक ओ एच है, टू पर भी एक ओ एच है, थ्री पर भी क्या है एक ओ एच है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल हो जाएगा। क्लियर। तो अपन ने यहाँ तक अब क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब मूव करते हैं अपन किधर की तरफ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ सिंथेसिस की तरफ मूव करते हैं। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस की बात करें यदि अपन, तो फर्स्ट मेथड आपके पास है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए आपको थ्री मेथड दे रखी है। एक तो आपके पास क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। फर्स्ट मेथड इज द फ्रॉम एल्कीन एंड देर आर द थ्री वेज, और वी कैन से देर आर द थ्री स्टेप बाई विच वी कैन प्रिपेयर द एल्कोहल। फर्स्ट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज द ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन। मतलब मैं यदि एल्कीन से एल्कोहल बनाऊँ तो मेरे पास तीन रास्ते हैं, तीन मेथड है क्या बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए। फर्स्ट आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन, एंड थर्ड है ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैं इसमें मतलब अच्छे एग्जांपल से ले लेते हैं अपन डायरेक्टली। तो मेरे पास है देखिए CH3CH2, ये मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ मैं सिमेट्री एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, अनसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या है, देखो यदि मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आप कैसे पहचानोगे कि आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन है या असिमेट्रिक एल्कीन है, इस कार्बन कार्बन को बीच में से कट करना, दोनों तरफ यदि सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो सिमेट्रिक एल्कीन है, दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं है तो क्या है, असिमेट्रिक एल्कीन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं इधर भी क्या लगा दूँ, CH3 लगा दूँ, और इधर भी क्या लगा दूँ, CH3, तो ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन। और इस एल्कीन को मैं देखूँ तो ये क्या है मेरे पास, असिमेट्रिक एल्कीन है। क्यों, इधर की तरफ तो क्या है एक CH3 है, इधर की तरफ एक H ही है। क्लियर। अब ध्यान देना, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लस H2O। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, प्लस H2O, यानी कि हाइड्रेशन का मतलब आपको दिए गए कंपाउंड के अंदर क्या ऐड करना है, H2 ऐड करना है। हाइड्रेशन के लिए जो रेजेंट अपन काम में लेते हैं वो है डाइल्यूट H2SO4। कौन सा है, डाइल्यूट H2SO4। तो ये हाइड्रेशन हो गया H2O, और ये किसकी प्रेजेंस के अंदर है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब लोट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम ये नहीं करेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इस H2O को मैं देखूं तो H2O के पास क्या है, एक तो H+ है, एक क्या है OH-। क्लियर, ये सिचुएशन है। इस एल्कीन को अपन देखें तो देखो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन होने जा रही है, और अपन जानते भी हैं कि जो एल्कीन होती है, एल्कीन की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एल्कीन के अंदर अपन यदि किसका एडिशन करवाए, HX का एडिशन करवाए, तो इसके लिए एक रूल फॉलो करते हैं, वो कौन सा रूल है आपके पास, मार्कोनिकोफ रूल है। कौन सा है, मार्कोनिकोफ रूल है। क्या कहता है मार्कोनिकोफ रूल, देखो मार्कोनिकोफ रूल को या तो आप वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर दो, या सीधी सी बात है ये है इसकी, आप क्या कर लो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन,
ये एक वर्ड सफिशियंट है मार्कोनिकोफ ला के लिए कि आप क्या करो, आपका जो रेजेंट है जो एल्कीन है उसमें क्या कर लो, आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लो। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में अपन जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, फिर आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और इसके बाद आपके पास क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। क्लियर? तो पहली बात तो ये देखो, जैसे ये आपके पास क्या थी, प्रोपीन थी। क्लियर? अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब भी एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे आप और आपके पास कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप क्या करोगे, कौन सा रूल फॉलो करोगे, मार्कोनिकोफ रूल। अब मार्कोनिकोफ रूल देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एच एक्स ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन द नेगेटिव पोर्सन ऑफ एच एक्स इज एक्स माइनस गोज ऑन दैट्स कार्बन एटम विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एच एक्स ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पोर्सन ऑफ एच एक्स, नेगेटिव पोर्सन ऑफ एच एक्स इज एक्स माइनस गोज ऑन दैट्स कार्बन एटम ऑफ एल्कीन विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है कि यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एच एक्स का एडिशन होगा तो जो एक्स माइनस होगा वो कहाँ जाएगा, एल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो देखो इस एल्कीन में मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, और यहाँ कितने हैं, 2 है। तो एक्स माइनस यानी कि ओ एच माइनस कहाँ अटैच होगा, इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ लग ही है। अब देखो मार्कोनिकोफ रूल को मैंने क्या बताया आपको कि आप क्या करो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करो। तो चलिए इससे अपन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करें। तो देखिए मेरे पास क्या होगा, CH3 के ऊपर प्लस चार्ज और CH2 के ऊपर माइनस चार्ज, या तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा इसके अंदर, या फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 के ऊपर माइनस चार्ज और ये CH2 के ऊपर प्लस चार्ज। इस कार्बोकेटाइन को मैं देखूं तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो कैसा हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और यदि मैं इसको देखूं तो ये कार्बोकेटाइन केवल एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन मिक्सर के अंदर कोर से कार्बोकेटाइन का लाइफ टाइम ज़्यादा रहेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का लाइफ टाइम ज़्यादा रहेगा। अब देखिए यानी कि हमारे पास जो प्लस चार्ज जनरेट होगा वो कहाँ पर होगा, मिड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा आपको। तो एच एक्स का नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, एच और ओ एच में से ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस कहाँ ऐड होगा, इस बीच वाले कार्बन पर ऐड होगा। ठीक है, तो इन पोजिशंस को मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास देखिए क्या बना, CH3 CH OH और ये CH2 के ऊपर माइनस चार्ज था, तो उसके साथ क्या जाएगा, H2O का H आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, CH3। ये क्या बन गया आपके पास, प्रोपेन 2-ol बन चुका आपके पास। क्या बन चुका है, प्रोपेन 2-ol। इज दैट क्लियर? अब इसमें आप एग्जांपल्स और ले सकते हो। सपोज जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड C है, और ये CH3 है और ये CH3 है। इस पर किसका एडिशन करवाना है मेरे को, H2O का, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 का H2O का एडिशन करवा रहे हैं। आपको जो रूल पता है, या तो रूल से चल लो आप, या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लो। रूल क्या था अपना, मार्कोनिकोफ रूल क्या था, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द HX ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन द नेगेटिव पोर्शन ऑफ HX एक्स माइनस गोज ऑन दैट्स कार्बन एटम विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या आप सीधा देख लो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और एक ये बनेगा। ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1, 2, 3, कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये जो कार्बोकेटाइन है ये कैसा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कौन सा बनाएंगे अपन, 3 डिग्री वाला, यानी कि H2O में से H और OH, ये नेगेटिव पोर्शन या पॉजिटिव पोर्शन, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ये CH3 CH, और ये C इसके पास क्या लग गया, OH, और ये CH3 और ये CH3, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक H अटैच हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये नेक्स्ट एग्जांपल था। और दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए अपन, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और ये सिचुएशन है। आपको क्या देखना है, इस कार्बन को और इस कार्बन को ही नोटिस करना है। इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। आप किसका एडिशन कराने जा रहे हो, एच ओ एच का, इन प्रेजेंस ऑफ
डाइल्यूट H2SO4। तो आप तो एक तो H ऐड करना है, एक क्या करना है OH। मैं इसका यहाँ यदि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करूँ तो कितना डिग्री हो गया, देखो ये इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, 1, 2 एंड 3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और यदि प्लस चार्ज यहाँ करूँ तो मैं देखो फर्स्ट और ये सेकंड, ये कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है। क्लियर? तो OH का ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर ऐड होगा जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर रहा है। और वैसे भी आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे कितना H है, 1H है, 1, 2, 3 एंड 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो X माइनस यानी कि OH कहाँ जाएगा, उस कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर वो क्या बनेगा, ये बनेगा OH, और यहाँ पर एक H पहले से था और एक H और आ चुका है। तो ये हो गई आपके पास क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। नेक्स्ट चलते हैं अपन किधर की तरफ, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोबोरेशन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और बोरे, बोर का मतलब कहाँ से लिया गया है, बोरोन से। एशन का मतलब क्या होता है, टू एड, यानी कि हाइड्रोजन भी ऐड होगा और बोरोन भी ऐड होगी। देखो इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं किसके साथ, HBH2, यानी कि रिएक्शन हो रही है किसके साथ हो रही है, BH3 के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, BH3 के साथ। अब BH3 के बारे में खास बात यह है कि ये नेचर के अंदर मोनोमर फॉर्म के अंदर नहीं पाया जाता है, इन फॉर्म ऑफ डाइमर पाया जाता है। तो ये B2S6 है, क्या है ये, B2S6। यदि एग्जामिनर आपको B2S6 के साथ रिएक्शन दे एग्जाम के अंदर तो भी आपको क्या मान के चलना है कि इट इज़ द बोरेन BH3 है आपके पास। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 2.1 होती है, और बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 2.0 है। इट मीन्स बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड फॉर्म के अंदर है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्लियर? तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और बोरोन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। आप वापस क्या रीड कर रहे हो, प्रोपीन है आपके पास, और वापस आपके पास कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो देखो नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। इज दैट क्लियर? या ऐसे ध्यान रख लो आप कि बोरोन उस कार्बन से ऐड होना पसंद करता है जिस पर सब्स्टिट्यूट के ग्रुप क्या है, कम है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट है, और इधर की तरफ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है। या तो आप ऐसा सीख लो इसके अंदर, भाई काम तो अभी कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लाई हो रहा है, तो बोरोन उस कार्बन से ऐड होना पसंद करेगा जिस पर सब्स्टिट्यूट क्या है, कम है। तो देखो इस पे एक सब्स्टिट्यूट है, इस पे जीरो सब्स्टिट्यूट है, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं लगा हुआ है। या आप मार्कोनिकॉफ रूल से चलना चाहो तो नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है? और इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्लियर, ये एक एज ए सॉल्वेंट या काम करता है। तो मेरे पास ये हो गया CH3CH, और इसके साथ क्या ऐड कर दिया मैंने, एक H ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया CH2, और ये हो गया CH2, और ये BH2, ये क्या है, मोनो एल्काइल बोरेन है। क्या है ये, मोनो एल्काइल बोरेन। और यहाँ पे आपने क्या लिया है, प्रोपाइल ग्रुप लिया है, तो मोनो प्रोपाइल बोरेन है आपके पास। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब R है, B है, H है, और क्या है, H है। देखो अब ये जो हाइड्रोजन है ज्यादा डोनेटेबल हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, प्लस आई की वजह से क्या करेगा, ये बोरोन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, पुश करेगा, और बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो अब इस बोरेन से ज्यादा रिएक्टिव हो गया ये जो कंपाउंड बना है, भाई आर ग्रुप तो हो गया आपके पास ये, अब ये क्या करेगा, और जल्दी हाइड्रोजन अवेलेबल, और जल्दी हाइड्राइड अवेलेबल करवा देगा। तो वापस इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वापस क्या आ गया मेरे पास, प्रोपीन ले लिया मैंने। क्लियर? अब देखो इस BH2 में क्या कर रहा हूं मैं,
इसके पास एक एच है और दूसरा एक है, इसका एक एच रिप्लेस होके कहाँ आएगा, जैसा फर्स्ट स्टेप में आपने कहा था कि एच एक्स माइनस गोज ऑन दैट कार्बन आइटम विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो बीच वाले कार्बन पे क्या चला जाएगा, एच चला जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का जनरेशन करेगा, और बोरोन किसके साथ ऐड हो जाएगा, सी एच टू के साथ ऐड हो जाएगा, और बोरोन के साथ जो पीछे की तरफ जो फ्रैक्शन ऐड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू बी, और ये एच, और ये सी एच टू, सी एच टू, और ये सी एच थ्री, ये डाई प्रोपाइल बोरेन बन चुका है आपके पास। क्या बन चुका है, ये डाई प्रोपाइल बोरेन बन चुका है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यानी कि अब सिचुएशन मेरे पास ये हो चुकी है कि R है, बोरोन है, R है और H है। देखो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये, और ये भी क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो इस हाइड्राइड को बाहर निकलने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इट मीन्स बोरेन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, मोनो एल्काइल बोरेन रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, और मोनो एल्काइल बोरेन के कंपेरिजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, डाई एल्काइल बोरेन रिएक्टिव है। क्यों, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हो गए हैं जो इस हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, थ्रू द प्लस आई पुश कर रहे हैं, यानी कि अभी रिएक्शन इसके अंदर और होगी। तो वापस मैंने क्या ले लिया, सी एच थ्री, सी एच डबल बोन, सी एच टू, क्लियर। तो ये एक एच रिप्लेस होके कहा जाएगा इस बीच वाले कार्बन पर, और इस टर्मिनल से ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू की ओलाई थ्री, और ये बोरोन, ये क्या बना आपके पास, ट्राई एल्काइल बोरेन बना है। क्या बना है, ट्राई एल्काइल बोरेन, क्लियर। रिएक्शन आगे क्यों हुई है, क्या वजह है रिएक्शन होने की, बिकॉज मोनो एल्काइल बोरेन इज मोर रिएक्टिव देन बोरेन ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, और आगे जो आपके पास क्या बना है, डाई एल्काइल बोरेन, वो इस मोनो एल्काइल बोरेन के कंपेरिजन में क्या हो गया है, ज़्यादा रिएक्टिव हो गया है ड्यू टू द प्लस टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तब रिएक्शन मतलब कहाँ रुकेगी आकर के, ट्राई एल्काइल बोरेन पर ही रुकेगी। तो इस रिएक्शन को, यानी कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मोनो एल्काइल बोरेन भी नहीं होगा, डाई एल्काइल बोरेन भी नहीं होगा, सीधा आपको क्या मिलेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन मिलेगा, क्लियर। तो अब दोबारा से इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, सी एच थ्री है, सी एच टू है, सी एच टू की ओलाइस थ्री है, और ये बोरोन है। क्या बन गया मेरे पास, ट्राई एल्काइल बोरेन, और ये आपके पास बना है ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना है, क्लियर। ध्यान देना आप यहां से, आपके पास देखो मोनो एल्काइल बोरेन बनाता सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, और ये ओ एच, ये क्या बनाता आपके पास, मोनो एल्काइल, सॉरी ये बी एच टू, क्या बनाता आपके पास, मोनो एल्काइल बोरेन। इस ट्राई एल्काइल बोरेन का क्या करना है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 बेसिक ऑक्सीडेशन करवाना है इसका, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम गिव्स द एल्कोहल, क्या करेगा आपको ये एल्कोहल देगा। देखो फर्स्ट टाइम जब रिएक्शन हुई तो यही कंपाउंड बना था, तो प्रोडक्ट बनने के लिए आप क्या ध्यान रखें, भाई बनाना तो आपको यही है यहाँ पे ट्राई एल्काइल बोरेन ही, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है कि आप मोनो एल्काइल बोरेन बनाओ, और मोनो एल्काइल बोरेन बना है आपके पास तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, अब एल्कोहल गेन होगा आपको लास्ट के अंदर, तो जहाँ पे बोरोन अटैच है ना बस बी एस टू को वहाँ से उठा दो और वहाँ क्या लगा दो आप ओ एच लगा दो, तो ये होगा मेरे पास सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, और ये ओ एच, यानी कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सी एच थ्री, सी एच टू, और ये ओ एच, क्लियर। आपके पास यहाँ थ्री मोल बने हैं तो यहाँ कितना ले देता हूँ मैं, ये जो थ्री एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, थ्री लिख दिया है, थ्री एल्किन के मोल है। प्रोडक्ट बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या यूज करोगे आप, फर्स्ट कंपाउंड बना लोगे, भाई बना लिखना तो यही है आपको नोटबुक के अंदर, बोर्ड की कॉपी के अंदर, कि क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनने के लिए क्या करोगे आप, जहाँ बी एस टू एड है बी एस टू को रिप्लेस कर दो और ओ एच बना दो, यहाँ पे क्या बना है आपके पास, प्रोपेन वन ओल, क्या बना है आपके पास, प्रोपेन वन ओल बना है, क्लियर। तो प्रोडक्ट आप बना पाओगे, क्या करना है,
जहाँ BH2 लगाया था वहाँ से हटा दो, OH लगा दो। BH2 कहाँ ऐड होगा? उस कार्बन पे ऐड होगा जो लिस्ट सब्स्टिट्यूट है। अब देखो इसके एग्जांपल सोल्व करते हैं अपन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के। आप देख पा रहे हो मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, क्लियर। ये फर्स्ट रेजेंट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट रेजेंट है और ये क्या है आपके पास सेकंड रेजेंट है। फर्स्ट सिचुएशन में देखिए आपके पास ये 2 कार्बन है, आप BH2 कहाँ ऐड करोगे? उस कार्बन पे ऐड करेंगे जिस पर सब्स्टिट्यूशन क्या है कम है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए वो क्या क्या लगे हुए हैं कम लगे हुए हैं, तो मैं BH2 यहीं ऐड करूंगा और BH2 ऐड करने के बाद मैं वहां क्या लगा दूंगा OH। देखो ये फर्स्ट स्टेप में क्या देगा मेरे को, ट्राई एल्काइल बोरेन देगा। सेकेंड स्टेप में मेरे को क्या देगा, ये OH देगा। तो मेरे पास देखो यहाँ पे ये बनेगा CH3 और ये आपके पास सी है, CH3 है और ये एक H लग जाएगा यहाँ पे और ये CH2 और ये OH। क्या ध्यान रखना है कि BH2 का ऐड करोगे उस कार्बन पे ऐड करेंगे जिस पे लिस्ट सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ BH2 ऐड होगा फर्स्ट स्टेप से। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, BH2 को रिप्लेस करेंगे और वहाँ क्या लगाएंगे, OH ऐड कर देंगे। यहाँ पे आइए इसके अंदर देखो, इस कार्बन को और इस कार्बन पे फोकस करिए क्योंकि अपने को सिर्फ एल्किन से ही मतलब है, रिमेनिंग पार्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन पे मैं देखूँ तो देखो 1 सब्स्टिट्यूट और 2 सब्स्टिट्यूट, ये डाई सब्स्टिट्यूट है। इस कार्बन को मैं देखूँ तो क्या है, ये मोनो सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब बोरोन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। इसी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे आपने H ऐड कर दिया और यहाँ क्या कर दिया आपने, OH ऐड कर दिया, क्लियर। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एक तो ये कार्बन है एल्कीन का, एक ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है डाई सब्स्टिट्यूट है और ये क्या है मोनो सब्स्टिट्यूट है। तो बोरोन का ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा BH2 और BH2 को रिप्लेस करके वहाँ क्या लगा देंगे अपन, OH लगा देंगे। तो ये हो गया मेरे पास CH3 CH OH और मेरे पास आगे क्या है CH और ये CH3 और ये CH3। चेक करना देखिए इस ये कार्बन था तो डाई सब्स्टिट्यूट था तो यहाँ तो BH2 ऐड करेंगे नहीं, ये मोनो सब्स्टिट्यूट था तो आपने क्या किया, यहाँ BH2 ऐड किया। BH2 को रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, OH आ गया। आई थिंक रिएक्शन आपके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन है आपके पास बाय एल्कीन के अंदर ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन। ध्यान देना, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या कह रहा है रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। अपन जानते हैं कि HN का मतलब क्या होता है, 2 ऐड, ठीक है। क्या क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है और क्या ऐड करनी है, मर्करी ऐड करनी है, क्लियर। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था आपके पास, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। HN का मतलब क्या हो गया, 2 ऐड, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, मर्क्यूराइजेशन का मतलब मर्करी ऐड होगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन और मर्करी, इसलिए नाम क्या है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। और सेकेंड स्टेप की मैं बात करूँ तो सेकेंड स्टेप क्या है, डीमर्क्यूराइजेशन। डी का मतलब क्या है, बाहर निकलना। कौन बाहर निकलेगी, सिर्फ मर्करी बाहर निकलेगी। तो देखिए रिएक्शन के अंदर क्या क्या करना है अपने को, ध्यान देना, ये ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन के अंदर जो रिएक्टेंट यूज होने वाले हैं उनको अपन ने लिखा है। एक तो क्या है मेरे पास, प्रोपीन है जो कि अनसिमेट्रिकल एल्किन की तरह यूज किया है मैंने। ये क्या है मेरे पास, मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है ये, मर्क्यूरिक एसीटेट है। देखो एसीटेट कहाँ से आया होगा, एसिटिक एसिड से। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किससे आया है,
एसिटिक एसिड से आया है, एसिटिक एसिड का आप एक एच रिप्लेस करोगे तो वो एसिटेट आयन बनेगा, और यहाँ मर्क्यूरिक यानी कि एच जी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इसलिए दो एसिटेट ग्रुप की अपने को जरूरत है, एक आपके पास क्या है वोटर है। देखो पहली बात तो ये है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यही बनेगा मेरे पास, क्लियर। तो बीच वाले कार्बन पे यानी कि 2 डिग्री कार्बन पे मैं क्या रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। और मर्क्यूरिक एसिटेट को आप कहीं से भी ब्रिक कर सकते हो, कहीं से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको डिस्कनेक्ट करने से। ये बॉन्ड भी सिमिलर है, ये बॉन्ड भी सिमिलर है, ये ग्रुप भी सिमिलर है, ये ग्रुप भी सिमिलर है। और मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से वैसे ही क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे क्या मानूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या लेके चलूंगा मैं, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो ये अपन ने इनको एज ए पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले तो आके देखो ये वाला जो फ्रैक्शन है उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा। तो आपके पास एक तो क्या बाहर निकल गया, CH3COOH एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, यानी कि आप इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को आउट ऑफ द ग्राउंड कर चुके हो, क्लियर। अब आपके पास क्या बचा, देखो एक तो OH बचा और एक क्या बचा आपके पास, प्लस HgOCOCH3 वाला, दो पार्ट बचे हैं आपके पास। यहां आपने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन का, एंडीमर्क्यूराइजेशन का। ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा और मर्करी ऐड होगी। तो देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ऐड होगा, यहां से OH तो ऐड होगा यहां पे इस कार्बन के ऊपर। तो यहां लिख देता हूं मैं क्या, CH3CH और ये OH और ये आगे क्या है, CH2 है, क्लियर। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये ऐड कर दिया मैंने HgOCOCH3, क्लियर। यानी कि देखो आप देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ है और मर्करी ऐड हुई है, इसलिए नाम क्या था, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, विच इज द डीमर्क्यूराइजेशन, मतलब बाहर कौन जाएगा, डी का मतलब बाहर जाना, बाहर कौन जाएगा, सिर्फ मर्करी बाहर जाएगा, इसलिए नेम क्या हो गया, डीमर्क्यूराइजेशन। अब इसका क्या करना है आपको, रिडक्शन कराना है, क्या कराना है, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म के अंदर आप क्या काम में ले सकते हो, सोडियम बोराहाइड्राइड काम में ले सकते हो, क्या काम में ले सकते हो, सोडियम बोराहाइड्राइड। तो देखो इस बॉन्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, एक एच इसको दे दीजिए, एक एच इसको दे दीजिए, आपके पास क्या बनेगा, CH3CHOH और ये CH3। एक आपके पास क्या बन गई, सिर्फ मरकरी, मरकरी बाहर जा रही है, आउट ऑफ द ग्राउंड हो रही है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, डीमर्क्यूराइजेशन। और एक क्या बन जाएगा आपके पास, एसिटिक एसिड C OH, क्लियर। रिएक्शन मिक्सर के अंदर आप देखिए एक तो मरकरी है और एक आपके पास क्या है, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, जो वापस आपस में रिएक्शन करके क्या जनरेट कर सकते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट जनरेट कर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे जो OH ग्रुप ऐड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मिड वाले कार्बन पे ऐड हो रहा है, कहाँ पे ऐड हो रहा है, मिड वाले कार्बन पे। यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर क्या लगाना आपको, OH लगाना है, जबकि हाइड्रोबोरेशन में क्या था, जहाँ BH2 ऐड करते थे वहाँ OH ऐड कर रहे थे आप। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप या तो हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट ध्यान रख लीजिए, या फिर किसका, मर्क्यूराइजेशन का, किसी का एक किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट आप माइंड कर लीजिए, बाकी की रिएक्शन के प्रोडक्ट जस्ट रिवर्स करके बना दीजिए। यदि मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए जैसे मान लीजिए अब मैं तीनों रिएक्शन को पैरेलल ही लेकर के चल रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। एक तो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ H2O और ये डाइल्यूट H2SO4, मतलब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड है आपके पास, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिख दिया मैंने, BH3 और ये BH3 और ये THF, और थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने लिख दिया H2O2 और ये OH-
और जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन के अंदर मैंने लिखा है एच जी ओ सी सी एच थ्री सी ओ ओ की होलाइस टू और ये एच जी टी एच एफ और सेकंड आपके पास क्या है एन ए बी एच फोर। इन तीनों रिएक्शन का आप आपस में क्या कीजिए, कंपेरिजन भी कीजिए। फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट देखिए आप, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रेशन है सिर्फ, ये हाइड्रेशन मतलब सिर्फ एस टू एट होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, टू डिग्री। यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, ओ एच लगा देंगे बीच वाले कार्बन पे, तो सी एच थ्री ओ एच और ये सी एच थ्री, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन की मैं बात करूँ, सेकेंड रिएक्शन क्या है मेरे पास, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोबोरेशन में तो अपन ये देखते हैं कि आप बोरोन का ऐड करोगे, तो लिस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन पर बी एस टू ऐड करेंगे अपन, तो लिस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन यही है। यहाँ मैं बी एस टू ऐड करूँ तो बी एस टू को फिर हटाऊंगा और फिर क्या लगाऊंगा यहाँ पे ओ एच, तो सेकेंड स्टेप में मेरे पास क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच बनेगा। और थर्ड अपन ऑक्सी मर्कुराइजेशन एंड डी मर्कुराइजेशन की बात करें तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर, या आप ऐसा देख लो ना क्या हाइड्रोबोरेशन से जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट बनाना है, या ऑक्सी मर्कुराइजेशन एंड डी मर्कुराइजेशन के अंदर हाइड्रेशन ऑफ एल्किन वाला प्रोडक्ट बनाना है। वही बात थी, देखो आपने वहाँ पे ओ एच एड किया था, यहाँ पे ऑक्सीजन सी डबल बोंड ओ एच जी ऑक्सीजन सी डबल बोंड ओ सी एच थ्री, यानी कि इस कार्बन पे OH था आपके पास, तो ये सी एच थ्री हो गया, ये सी एच हो गया, ओ एच हो गया और ये सी एच थ्री हो गया। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, किस क्या हाइड्रेशन ऑफ एल्किन एंड ऑक्सीमर्कुराइजेशन एंड डी मर्कुराइजेशन ऑफ एल्किन में क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट है, और हाइड्रोबोरेशन में क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट है। अब आप सोचो, देखो हाइड्रोबोरेशन से आपने क्या बनाया, प्रोपेन वन ऑल बनाया, क्या बनाया, प्रोपेन वन ऑल बनाया आपने, किससे, हाइड्रोबोरेशन से। और इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रेशन ऑफ एल्किन एंड ऑक्सीमर्कुराइजेशन एंड डीमर्कुराइजेशन में आपने क्या बनाया, प्रोपेन टू ऑल बनाया। अब सोचो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है, ब्रिंग आउट द फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन, क्लियर। उसमें पहला आपको दे रखा है हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम प्रोपीन। हालांकि और भी तरीके अपन एंटी मार्कोनिकोफ ला लगा के अपन बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन की मैं बात करूं, यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा है उसका यूज की बात करूं मैं, मेरे को ऐसे ब्रिंग आउट द फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन, हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम प्रोपीन, देन यू यूज द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और एग्जामिनर मेरे को ये कहे हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम प्रोपीन, तब आपको क्या करना है, या तो आप हाइड्रेशन ऑफ एल्किन या फिर ऑक्सीमर्कुराइजेशन एंड डीमर्कुराइजेशन ऑफ एल्किन इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, लास्ट में इसका एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं जिससे आपके तीनों जो रिएक्शन थी वो क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक एल्किन है, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है, और आपको क्या करना है, जो तीन रिएक्शन आपने पढ़ी थी उन तीनों रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। फर्स्ट कौन सा है, वही आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, सेकंड हाइड्रोबोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, थर्ड क्या है आपके पास ऑक्सीमर्कुराइजेशन एंड डीमर्कुराइजेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, देखो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा सुटेबल रहेगा, वन टू एंड थ्री, थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं OH लगा देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास और ये OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा H। जब मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। थर्ड रिएक्शन में भी यही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि OH मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ही जा रहा था, तो थर्ड रिएक्शन के अंदर भी यही प्रोडक्ट बनेगा आपका। और किसके अंदर, हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। भाई ये दो पोजीशन थे आपके एल्किन की कि या तो OH यहाँ ऐड होगा या यहाँ ऐड होगा, तो जब मैं हाइड्रोबोरेशन करवाता हूँ तो इन दोनों का रिवर्स प्रोडक्ट बनता है, तो OH कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। या आप सीधा ध्यान रख सकते हो कि BH2 या बोरोन उस कार्बन पर ऐड होना पसंद करता है जिस पर लिस्ट सब्स्टिट्यूशन हो, तो इन दोनों कार्बन को देखो तो लिस्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्या ऐड होगा, BH2, और BH2 को उठा के यहाँ क्या लगा दूंगा मैं OH। दैट इज आवर द फर्स्ट मेथड बाई विच वी कैन प्रिपेयर द एल्कोहल बाई यूजिंग एल्किन। तो थ्री वेज थे, थ्री मेथड थी आपके पास,
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोवोरेशन एंड ऑक्सीमर्कुराइजेशन एंड डीमर्कुराइजेशन. बोथ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड डीमर्कुराइजेशन, ऑक्सीमर्कुराइजेशन एंड डीमर्कुराइजेशन ऑफ एल्कीन हैव द सेम प्रोडक्ट एंड दैट इज द डिफरेंट प्रोडक्ट इन हाइड्रोवोरेशन. लिस्ट सब्सिट्यूट एल्कोहल बनता है इनके अंदर. इनमें क्या बनता है? मोर सब्सिट्यूट एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. इज दैट क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.